क्लास इलेवेंथ बेटा आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफरेंस है पहले हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे यहाँ पर मोशन नहीं है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देअर सेंटर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट है इस पूरे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास दोनों ऑब्जेक्ट का मास एक का मास वन है दूसरे का मास टू है तो उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इस चीज को बेटा नोट करना है जैसे ये डायग्राम बनी हुई है तो अपने डिस्टेंस जो है उनके सेंटर से नोट करना है ना कि उनके सरफेस टू सरफेस सरफेस से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होता है बट हमने डिस्टेंस उसके सेंटर्स अगर सर्कुलर है तो सेंटर से लेना है अगर सर्कुलर नहीं है तो जिस जगह पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उस पॉइंट से हमने उसकी वैल्यू जो है नोट करनी है डिस्टेंस उन दोनों के बीच का लेना है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एम वन एम टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन आर स्क्र इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फोर्स विच इज इक्वल टू एम वन एम टू ओवर आर प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने यहाँ पे लगाया विच इज इक्वल टू कैपिटल जी तो कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन अब इसकी बात करते हैं कि ये जी किसके बराबर होगा तो अगर हम एम वन और एम टू दोनों को वन के बराबर कर देते हैं और आर को भी वन के बराबर कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स जो है वो जी के बराबर हो जाएगी वहीं से एक इसकी डेफिनेशन हमने निकाल ली है डेट इज़ द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी किसके बराबर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू यूनिट मास यूनिट मास का मतलब कि एम वन भी वन है और एम टू भी वन है प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी वन यूनिट है वन मीटर है अब इसकी वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकली बात करते हैं तो न्यूमेरिकली जी की वैल्यू किसके बराबर होती है इट इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस टू पावर एट डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम स्क्र ये सी जी एस वैल्यू है और अगर ऐसे ही सिस्टम में इसकी वैल्यू नोट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वायर तो ये वैल्यू आपने याद रखनी क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर कैपिटल जी की वैल्यू हमने पुट करनी है उसके बाद आपके पास जो है इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर हो गए एम की पावर माइनस वन एल का क्यूब टी की पावर माइनस टू दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यहाँ पर एक नोमेरिकल भी इसके साथ रिलेटेड किया हुआ है तो इस नोमेरिकल को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है द स्फेयर ऑफ मास फोर्टी किलोग्राम इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ नाइन फ्रॉम द स्फेयर ऑफ मास सिक्सटी किलोग्राम तो यहाँ पर आपको पॉइंट नाइन के साथ मीटर लगाना चाहिए था क्वेश्चन में बट नहीं लगा हुआ है पॉइंट मीटर है इफ द टू स्फेयर attract each other with a force of 0.02 milligram force find the value of gravitational constant m1 ki value 40 hai m2 ki value 60 hai r ki value dekho yahan pe laga diya unhone 0.9 meter force which is equal to 0.02 milligram milligram ko agar aapne किलोग्राम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा टेन एस्ट पावर माइनस सिक्स क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम बनाना तो टेन एस्ट पावर और ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो अगेन टेन एस टू पावर माइनस थ्री तो टोटल माइनस सिक्स हो गया किलोग्राम फोर्स अब इसको न्यूटन बनाने किलोग्राम फोर्स को तो क्या करते हैं हम नाइन पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट करी हैं जी एम वन एम टू व आ स्क्र फार्मूला है हमारे पास अब एफ की वैल्यू तो हमें गिवन है एम वन एम टू की वैल्यू भी गिवन है आर की वैल्यू भी गिवन है तो ये सारी वैल्यू पुट करके हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आ रही है वो क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इन टू टेन एज पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलो किलोग्राम स्क्र तो ये आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल गई इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे जब हम एक्सरसाइज किया और भी न्यूमेरिकल बाद में करेंगे तो आज इतना आपने याद रखना है इसको कॉपी पे नोट कर लो क्या नाम है ये टॉपिक का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन